लिरिक्स मुझे मिला तो मैंने देखा सुना नहीं, और नाम खेसारी जी का था तो मैंने सोचा अच्छा ही होगा, तो फिर मैंने गा दिया। पर बाद में पता चला गाने के बाद, अरे ये तो गलत है, ये तो डबल मीनिंग गाने हैं। पवन जी के साथ मैंने उनके फिल्मों में कुछ गाने गाए हैं, तो बहुत अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस उनके साथ गाना गाना। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा किसी के पास, हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़े। आप सभी के आशीर्वाद से काम मिल रहा है और मैं कर रही हूँ। स्टारों के नाम के साथ अपना नाम जोड़ के बहुत कुछ क्षणों तक, कुछ दिनों तक आप चल सकते हैं। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर आप नहीं चल सकते आगे। कोई दिल में बसा है आपके? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। आर यू सिंगल मतलब? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी रश, और मेरे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर संजना राज। मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। संजना, आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी अपनी उपलब्धि हासिल कर ली है। सिंगिंग से आपकी शुरुआत हुई थी और अब आप एक्टिंग में डेब्यू कर चुकी हैं। आपके पास इस वक्त 4 से 5 फिल्में हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानेंगे कि कैसे बिहार की एक छोरी मुंबई में आके गोरी हो गई। वेरी नाइस। बिहार की छोरी मुंबई में आके गोरी हो गई, ये बहुत अच्छी लाइन है आपकी। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और काफ़ी मैंने देखे हैं आपके इंटरव्यूज़, आप बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बहुत अच्छा आप करते हैं और भोजपुरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे आज आपके यहाँ आके आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और अभी तो मैं शूट कर रही हूँ, कंप्लीट हो गई मेरी फिल्म सैया है अनाड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। एक बहुत ही टाइम से दर्शकों के मन में, दिल में, दिमाग में आता रह रहा है कि अश्लीलता है भोजपुरी में, बहुत ही ऐसा है, अभद्र है। तो हम लोग ये थॉट रख के काम कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं कि नहीं, हमारी फिल्में जो होगी एटलीस्ट हमारी माँ पापा बहन घर में बैठ के देख सके। मेरा ये थॉट रहता है काम करने का, ये तरीका रहता है, तो उसी को लेके मैं फिर अभी एक्टिंग में अपना कदम रखा है। मतलब आप जो हैं डबल मीनिंग के गानों के खिलाफ हैं, आप नहीं गाती कहने का मतलब? अच्छा, लेकिन शुरुआत जैसा कि आपने कहा था खेसारी लाल यादव के साथ आपने पहला सॉन्ग किया था जी, और वो डबल मीनिंग गाने पर ही बेस्ड था। हाँ, एक्चुअली क्या था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होता है, मैं बहुत नई थी। तो लिरिक्स मुझे मिला तो मैंने देखा सुना नहीं, और नाम खेसारी जी का था तो मैंने सोचा अच्छा ही होगा, तो फिर मैंने गा दिया। पर बाद में पता चला गाने के बाद, अरे ये तो गलत है, ये तो डबल मीनिंग गाने हैं, तो घर से भी बहुत डांट पड़ी और बहुत सुनने को मिला, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। पहला और आखिरी था मेरा वो। अच्छा, संजना मुंबई कब आना हुआ आपका? बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे मुंबई आए हुए, अभी 2-2.5 साल हुए। इससे पहले मैं दिल्ली में थी, 2-2.5 साल हुए, और दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है क्योंकि शुरू से ही, बचपन से ही मेरे दिल में मुंबई बसती थी, तो फाइनली आ गया। और इस सिंगिंग की दुनिया में कब आपका आना हुआ, कितना साल हो गया आपको? गाना तो मुझे बचपन से ही था, मैं बचपन से ही गाती थी, पर प्रोफेशनली मैं 2011 से गा रही हूँ एल्बम की दुनिया में। 2011 से मेरी शुरुआत हुई, पर गाना तो बचपन से ही मेरा शौक था। भोजपुरी में ही आना था? नहीं, पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे भोजपुरी में आना है या हिंदी में आना है। मैं गाना गाती थी, हिंदी भी गाती थी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैं हिंदी भी गाती थी, भोजपुरी भी गाती थी, पर 2011 में जो मुझे मौका मिला वही खेसारी लाल जी के साथ गाने का, तो वहीं से शुरुआत हो गई, लोगों ने पसंद भी किया हो सकता है, तो इस वजह से वहीं से जर्नी चली मेरी। पवन जी के साथ भी आपने काम किया है? पवन जी के साथ मैंने उनके फिल्मों में कुछ गाने गाए हैं, तो बहुत अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस उनके साथ गाना गाना। इसके बाद कैसे आपके पास काम की कतार लग गई, कितना मुश्किल हुआ काम तक पहुंचना? देखिए, कोई भी बड़े काम के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होता है, तो यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत कुछ झेलने पड़े हैं, बहुत कुछ देखने पड़े। अपने दर्शकों को मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि एक छोटे से गाँव से एक लड़की को आप सभी ने भरपूर प्यार दिया, दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, जो आज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा किसी के पास, हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़े। आप सभी के आशीर्वाद से काम मिल रहा है और मैं कर रही हूँ। कितने गाने अब तक आपने गाए हैं? अब तक मैंने कुछ 250-300 गाने गाए हैं। माय गॉड, 250-300 गाने 2 साल में?
नहीं नहीं 2 साल में नहीं, 2011 से लेके अब तक, यानी मुंबई आके 2 साल हुआ है, 200-250 गाने। हाँ, आप दिल्ली में थी? हाँ, दिल्ली में, पटना में जब थी वहाँ से लेके यहाँ तक इस बीच में मेरे 250-300 गाने गाए हैं। कितनी सच्चाई है कि बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ भोजपुरी में काम करें तो ही बहुत सारी शोहरत मिलती है, बहुत सारे काम मिलते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, आपको काम आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी किस्मत बना देगा या किसी बड़े स्टार के साथ मैं काम करूंगी तो वो होता है, मतलब चंद छड़ों के लिए नाम तो हो जाएगा पर उससे आप बहुत दिन तक टिक नहीं सकते। आपको काम आना चाहिए तो ही आप बहुत लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। स्टारों के नाम के साथ अपना नाम जोड़ के बहुत कुछ छड़ों तक, कुछ दिनों तक आप चल सकते हैं, अगर आपको काम नहीं आता तो फिर आप नहीं चल सकते आगे। देखा गया है, मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया है, विवादों से दूर हैं आप, पचड़े में नहीं पड़ती ज़्यादा? बिल्कुल, मैं इसलिए नहीं पढ़ती कि क्या फ़ायदा है। हाँ, लेकिन लगता है कि इस टॉपिक पर बोलना चाहिए, इस सब्जेक्ट पर बोलना चाहिए तो ही मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा रहता नहीं किसी से बिना, मतलब खामखा किसी के काम में टांग अड़ाना या किसी के बातों में बेवजह कुछ फंसना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इंडस्ट्री में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस जो होती हैं, सिंगर्स होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी ने किसी साथ का, किसी एक साथी की, मैं अफेयर की अगर फिलहाल यहाँ बात कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ती है। आपको कभी पड़ी इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत पड़ी कभी? आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, उस सिचुएशन में लड़के लड़कियां गलत रास्ते पे जाते हैं। कई बार होता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, आपके बैकग्राउंड से, आपके बैक से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में कई बार लड़कियों के अफेयर हो जाते हैं या गलत रास्ते पे चली जाती हैं। पर टचवुड मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा, मेरी फैमिली में हालांकि मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते थे पर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया और मम्मी की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ, तो ऐसा कुछ मेरा रहा नहीं कि आगे बढ़ने के लिए किसी का हाथ थामने की ज़रूरत पड़े मुझे। है भी कोई दिल में बसा है आपके? नहीं फिलहाल तो नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। आर यू सिंगल? मतलब संजना सिंगल है? कैसे मतलब, आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, कोई आपके पीछे क्यों नहीं पड़ा? क्या किसी एक्टर की तरफ से प्रपोजल वगैरह नहीं आया कभी? नहीं, प्रपोजल तो आते ही रहते हैं, जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा बहुत अच्छी लगती भी हूँ तो प्रपोजल तो आ ही सकता है, पर अभी मेरा फोकस है बिल्कुल करियर पे। मैं चाहती हूँ कि मेरा करियर सेट हो जाए, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगी। बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली है, 2-2.5 साल हुए हैं मुंबई आकर और आज आपके पास भोजपुरी की 4 से 5 फिल्में हैं। बिफोर यू के साथ में भी ज़्यादा आपने काम किया? नहीं, अभी अभी तो शुरुआत किया है मैंने, तो अभी न जाने किस किस के साथ मैं काम करूंगी, पर हाँ बिफोर यू के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है और 4-5 फिल्में मैं कर रही हूँ। क्या नाम था आपके पहले फिल्म का? नाम है अभी वो रिलीज होने वाली है इसे दिसंबर में, लाल चुनरिया वाले पे दिल आया रे, मेरी पहली फिल्म का नाम। कैसी केमिस्ट्री रही, पहला शूट, पहली मूवी बॉलीवुड में एज ए एक्ट्रेस, पहला डेब्यू, बहुत जरूरी होता है अपने पार्टनर का साथ? बिल्कुल, देखिए मैं इसीलिए इतना वेट कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए तो मैं काम करूं, लेकिन उससे पहले एक्टिंग का ए आना चाहिए। सिंगिंग अलग फील्ड है, एक्टिंग अलग फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक से एक धुरंधर आते हैं और काम करते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत दिन तक पैसे लगा के, पैसे इन्वेस्ट करके आप नहीं चल सकते, कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि मेरे हिसाब से कोई काम मिले और उससे पहले थोड़ी ट्रेनिंग तो ले लूँ। बिल्कुल, आपका इशारा जिस तरफ है वो आपके लोग जान ही रहे होंगे। आपको फिल्म ऑफर होती है तो क्या शर्तें होती हैं आपकी? बहुत ज़्यादा शर्तें नहीं होती है, सबसे पहले तो मैं स्टोरी देखती हूँ और स्टोरी अच्छी होती है मैं स्टोरी पे ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। कभी कभी कुछ एक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको लेकर काफ़ी विवाद होते हैं, आरोप होते हैं, हीरोइनों के साथ बदतमीजी हो जाती है, ऐसे एक्टरों का आपके पास ऑफर आता है, आप करेंगी उनके साथ काम? किसके साथ क्या रहा है, मेरे साथ नहीं रहा है तो मैं बिल्कुल करूंगी, किसके साथ क्या अफवाह रहा है, किसके साथ क्या विवाद रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ कैसा रिलेशन रहेगा उस हिसाब से फिर मैं उनके साथ काम करूंगी। आखिरी सवाल जाते जाते, भोजपुरी इंडस्ट्री से कितना प्यार है आपको और क्या कुछ मिला और कहाँ तक देखना चाह रही हैं इसको? भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में मैं प्यार के लिए शब्द यूज़ करूँ तो बहुत ही कम है, क्योंकि इन्फिनिटी अनलिमिटेड प्यार है मेरे लिए और मुझे मिलता भी है दर्शकों से। मैं भोजपुरी भोजपुरी ही खाती हूँ, भोजपुरी पीती हूँ, भोजपुरी सोती हूँ, मतलब दिन रात भोजपुरी ही है
घर में सब माहौल भोजपुरी ही है, और मैं यही चाहूँगी कि भोजपुरी में अच्छी फिल्में बने, जो हमारी ऑडियंस चली गई है वो वापस आए, हमारे घर की माताएं, बहनें, मम्मी पापा भाई सब एक साथ बैठ के देख सकें, ऐसी फिल्में बने और भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में स्थान मिले, मैं यही चाहूँगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजना है हमारे साथ, इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और बने रहें इंदिरश के साथ। थैंक यू।